एंड वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सबका अच्छे अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो मैं आप करिएगा फ्रेंड, शुक्र धन्यकार कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड आज आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कुछ बनाया है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे क्या करके बनाया है। देख सकते हैं फ्रेंड मेरे इस गुड़हल में कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, कितने सुंदर सुंदर इसके फ्लावर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। अच्छे लग रहे हैं आपको? एक देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा इधर भी खिल गया है, देखिए कलर कितना गहरा इसका है ना। एक उधर साइड ये बालकनी में मेरे रखे हुए हैं फ्रेंड, और देसी जुगाड़ है छुपाने का, देख सकते हैं। मैंने चद्दर से इनको ढक के रखा हुआ ताकि ज़्यादा धूप ना लगे, देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए कितने गहरे और कितने खूबसूरत ये कलर लग रहे हैं। चार खिलाए आज, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है, एक वो है ना। अच्छा लग रहा है ना? और देखिए इस पार्ट में लगा है और ये गुड़हल है, कितना सुंदर है। सिनकार के तेरे ले नजरे उतार, कितना प्यारा है, हो कितना प्यारा है। सिनकार के तेरे ले नजरे उतार, कितना प्यारा है। ये चल रही हूँ अपने छत पर और देखिए कितना पसीना पसीना मेरा चेहरा हो गया, क्योंकि फ्रेंड मैं ना धुल रही थी चने और उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाने लगी आपके लिए। तो देखिए क्या मैंने बनाया है, ये सुंदर सुंदर प्लांटर, अच्छे लग रहे हैं। चलिए मैं अभी ऊपर जाके अच्छे दिखाती हूँ, आप फिर दिखाऊँगी क्या लगाया इसमें से, और ये भी बताऊँगी कह के बनाई हूँ। चलिए चलते हैं, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए फ्रेंड ये मेरे चने फैले हुए छत में, इनको मैंने धुला हुआ है, अब आ गए फाइनली अपने छत पर। और देखिए मैंने मटकों में पानी भर के रख दिया ना अपने प्लांटों के पास अगल बगल, अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये रहे फ्रेंड मेरे प्लांटर दोनों। क्यों गिर रहे भैया, बैठ जाओ उधर। और देखिए आप लोगों को कैसे लग रहा है ये फ्रेंड मैंने बनाया प्लास्टिक बोतल कट करके। प्लास्टिक बोतल का नीचे का हिस्सा है ये, और ये भी नीचे का हिस्सा देख सकते हैं आप, यहाँ से भी देख लीजिए प्लास्टिक ही है। ये बोतल है जो थम्सा की, और उनके ऊपर के हिस्से का तो मैंने टावर बनाया था वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये नीचे का हिस्सा फ्रेंड, तो मैंने वाल पुट्टी के डो से ये प्लास्टिक बोतल में पहले कवर कर दिया, उसके बाद मैंने इस तरह का इसको सेप दे दिया फ्रेंड। तो हम हिचकिचाए ना फ्रेंड, हमसे जिस तरह भी बन रहा है उस तरह से हम बनाने की कोशिश करें, और ज़्यादा अच्छा नहीं बनता लेकिन जिस तरह से बन कोई कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा फ्रेंड, हम कोशिश करें फ्रेंड। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ अच्छा बना लिया तो हम उसकी नकल करके वो सेम टू सेम वैसे ही बनाने की कोशिश करें फ्रेंड। जिस तरह से हमसे बने वैसे ही बनाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा बना रहा है और हमसे नहीं बन पा रहा तो हम कोशिश ही ना करें, नहीं फ्रेंड, हमें कोशिश अपनी जारी रखना चाहिए। और ये कुछ ना कुछ अपने गार्डन के लिए डेकोरेट जो भी करते हैं अच्छा लगता है फ्रेंड, अगर हम मेहनत से कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फ्री में तो हम ये तैयार हो जाएंगे फ्रेंड, और हम पैसे लगा के तो देखिए उसमें से पैसे भी मिलते हैं और महंगे प्लांटर भी बहुत महंगे मिलते हैं फ्रेंड। ऐसा कोई प्लांटर नहीं है जो 100, 150, 300, 250 से ऊपर ही मिलते हैं फ्रेंड, ऐसा कोई नहीं है कि 10, 20, 50 में आपको मिल जाए, 10, 20 ऊपर में तो वैसे यही ऐसे ही मिलते हैं, देख सकते हैं आप इस तरह में मिलते हैं। और ये तो बिल्कुल सिंपली है, अब अगर हम इस तरह के बना लेते हैं तो देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड। और मैंने इसमें से गणपति बप्पा जैसे का सेप दिया फ्रेंड, देखिए अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहे हैं,
ठीक है, कमेंट में बताइएगा कैसे आप लोगों को लग रहे हैं। मैंने तो बनाया फ्रेंड, और मैं जब भी बनाती हूँ तो फ्रेंड मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बनाते वक्त वीडियो बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा बनाऊँ फिर काम करने के लिए चले जाए, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, तो उसे काम में लग जाती हूँ फ्रेंड। तो इसलिए मैं बैठ करके नहीं बना पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बना लेती हूँ, तो वैसे मैं दिखा नहीं पाई हूँ। अब अगली बार से कुछ बनाऊँगी तो फ्रेंड कोशिश करूँगी कि ये बनाने का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने बनाया हुआ है फ्रेंड। और फ्रेंड एक बात और आपसे बोलनी है कि प्लीज़ आप लोग वो नाराज़ नहीं होइएगा, मैं क्या कहते हैं जल्द, जैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं जल्दी से उसका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ ना, तो इसलिए फ्रेंड माफ़ी चाहती हूँ आप बहनों से, क्योंकि मैं काम में थोड़ा बिजी हो जाती हूँ ना, इसकी वजह से मैं अकेले हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा काम पड़ जाता है, इसकी वजह से मैं जल्दी से रिप्लाई नहीं दे पाती। लेकिन हाँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं आप लोगों की सारी वीडियो देखती हूँ और सारी वीडियो लाइक करती हूँ और कमेंट भी आप करती हूँ फ्रेंड। और जो भी मेरे चैनल में भाई बहन आते हैं मैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ और सभी के वीडियो देखती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग नाराज नहीं होइएगा, और प्लीज़ मैं जल्दी से जो रिप्लाई नहीं दे पाती उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे चैनल पे, और वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो पूरी वॉच करिए प्लीज़। आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और सभी का चैनल आगे बढ़े और मेरा भी बढ़े, सभी लोग आगे बढ़ें, सभी का चैनल ग्रो हो। तो प्लीज़ अपनी कृपा बनाए रखिएगा, आप ही एक सहारा हो। तो आप लोग बताइएगा अब ये आप लोगों को कैसे लगे, प्लास्टिक बोतल से देखिए फ्री में बन गए, इस तरह से मार्केट में मिलने वाले ही नहीं हैं फ्रेंड, देखिए फ्री में बन गए हैं ना, ना तो आपको ऐसे नर्सरी में मिलेंगे ना तो कहीं मिलेंगे, इस तरह से देखिए मेरे से जिस तरह बनता है मैं उस तरह बना लेती हूँ फ्रेंड, क्योंकि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि हमसे अच्छा नहीं बनता तो हम कुछ करें ही नहीं, जिस तरह से हमसे बनता है हम अपना करते रहें करते ही रहें फ्रेंड। तो मैंने जिस तरह से मुझसे बनाया तो मैंने बनाया, दो ही बनाया हुआ है और जो नीचे के दो भाग है तो उनमें से मैं और कुछ बनाने के लिए सोच रही थी तो इनको मैंने दो ही बनाया। और देखिए इधर साइड भी मेरे रखे वो भी मैंने ही कबाड़ से ही सब कुछ बना रखा है फ्रेंड, जितनी भी उधर साइड मेरी सारी बोतल रखी है सब कबाड़ से ही, आप लोगों डेली देखते मेरी वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये सब मेरे कबाड़ का ही बना हुआ रखा है, देख सकते हैं आप, ये थोड़ा थोड़ा अपने गार्डन सजाते अच्छा लगता है फ्रेंड, देखिए इसको अच्छा लगता है फ्रेंड जैसे इस तरह हम बनाते हैं, है ना। और इधर मैंने ये सब बनाया हुआ था और इसको भी बनाया हुआ था, आप लोगों को वीडियो मैंने डाला ही है, आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, ये भी अब बनाया मैंने, ये सब प्लास्टिक कट्टी हैं जो रिफाइंड की तेल भर के आता है फ्रेंड, अगर आप भी ऐसा बनाना चाहें तो बना सकते फ्रेंड, ऐसा कोई कठिन नहीं है कि बनेगा नहीं, ईजिली सभी से बन जाएगा फ्रेंड। और वो देखिए एक मैंने इसको बनाया हुआ है, जो भी मुझे बर्तन मिल जाते हैं मैं सभी में बना लेती हूँ फ्रेंड। और देखिए आज मैंने ये 30-30 रुपए की ये दो मटकियाँ ली हुई है, और इन मटकियों को मैंने क्यों लिया देखिए, इनमें से इतना ठंडा पानी हो जाता है ना पूछो ना। और ये मैंने अपने प्लांटों के अगल बगल रख दिया है, अभी दो और लूँगी फ्रेंड तो वहाँ अगल बगल रख दूँगी, तो जो भी क्या कहते हैं हमारे प्लांट की ठंडक पहुँचता रहता है इनसे, क्योंकि पानी जब भरा रहता है तो एकदम से ठंड हो जाता है और थोड़ा थोड़ा करके हमारे प्लांटों को भी ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, इसलिए हमें अगल बगल प्लांटों के आपने पानी भर के रखना चाहिए या कोई भी बर्तन हो फ्रेंड। मैं तो हर साल यही काम करती हूँ, मटके में भर के रखती हूँ, सारा दिन रखा रहता है, फिर शाम के टाइम में ये पानी निकाल के अपने प्लांटों में डाल देती हूँ एकदम ठंडा पानी, फिर रात में भर देती हूँ, फिर वो पानी सुबह अप्लाई कर देती हूँ। तो फ्रेंड आप लोग भी ये तरीका ज़रूर अपना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और इसमें से प्लांट हमारे ठंडा ठंडा पानी पिएंगे तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मियों में हम भी तो ठंडा पानी ही पीते हैं ना, तो इसलिए अपने प्लांटों को भी ठंडा पानी ही पिलाएं। तो अब देखिए मैं इनमें से क्या लगा रही हूँ फ्रेंड, अब आप बताइए इसमें से लगाऊं क्या, मैं क्या अच्छा लगेगा इनमें से, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। वैसे तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ इनमें से कुछ ना कुछ लगा दे रही हूँ, क्या लगाऊँ सोचती हूँ फ्रेंड, कुछ क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ, क्योंकि जितने भी प्लांट हैं ना सभी लगे हुए हैं और इस वक्त कटिंग अब लगने लगेंगी नहीं फ्रेंड, क्योंकि मैंने इनकी बहुत सारी सी कटिंग लगाई थी ना तो सारी ख़राब हो गई फ्रेंड। देखिए मैंने इसमें से लगाया था तो, क्योंकि मेरे छत पे ना हवा बहुत ज़्यादा चलती है और हवा की वजह दो खंडा है तो हवा बहुत ज़्यादा लगती है ना, देखिए इसको मैंने लगाया तो इसका क्या हालत हो गई, बेचारा रो रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है। और देखिए जड़ है इसकी पर पता नहीं इसको हुआ क्या, पता नहीं धूप की वजह से इसकी तबीयत ख़राब होगी, पता नहीं क्या हो गया मेरे मुन्ने को,
अरे दैया अरे दैया, मेरा सोना को कहाँ हो गया। देखिए बेचारा आपको ऐसे लगेगा, मुश्किल लगेगा। पता नहीं धूप की वजह से इसकी पत्तियाँ खराब हो गई, लेकिन जड़ देखिए उस तरह से अभी है। और ये ऊपर का हिस्सा इसका खराब हो गया, ऊपर का हिस्सा खराब हो गया तो नीचे का तो चला ही जाएगा। सोचती हूँ और कुछ इनमें से लगाती हूँ। ठीक है निकाल लो फ्रेंड, फिर लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को क्या लगाती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, ये कटिंग मैंने स्पाइडर की फिर से लगा दिया है। अब देखते हैं इस बार लग जाएगी तो ठीक है। मैंने फ्रेंड इसी को लगा दिया, देख सकती हैं आप, बहुत सोचने के बाद लगा दी हूँ। अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। छाया में रखूँगी फ्रेंड, यहाँ पर नहीं रखूँगी। तो देख लीजिए फ्रेंड, और इस जो ख़राब हो गई थी कटिंग, तो ये कटिंग मैंने हटा करके और इसमें से रियो प्लांट लगा दिया, देख सकते हैं आप। अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड इसमें से। और इसकी भी ख़राब हुई थी तो मैंने इसमें से छोटी सी कटिंग लगाई हुई है जड़ प्लांट की। अब देखते हैं कितना टाइम लगते हैं ये ग्रो होने में। तो कैसे लगे आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड और लंबा गाड़ा लगवा फ्रेंड, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और बाय बाय, देख सकते हैं तो मेरे कबाड़ से जुगाड़ रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी फ्रेंड। और दूसरा है वो आपको फर्टिलाइजर से घर किचन वेस्ट से, वो भी फ्रेंड मैं डालती रहती हूँ। और जो भी बनाती हूँ सारा अपने चैनल में डालती हूँ फ्रेंड, तो आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोगों को अच्छा लगता हो कमेंट बताइएगा, कुछ बातें पसंद नहीं आती वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ फ्रेंड, मुझसे उतना अच्छा बोलते भी नहीं बनता। लेकिन हाँ जिस तरह से बनता है मैं अपना बना के डाल देती हूँ। अब किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई नहीं है फ्रेंड। तो हम उतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड। तो बाय बाय, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा और मजाक ना उड़ाते हुए प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। और लव माय गॉड लव माय फ्रेंड, तो बाय 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 फ्रेंड। आपे ने हमको जो सिखलाया, कदम कदम पर बोले।